तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। प्राथमिक विद्यालय बना तालाब। बहराइच जिले के ब्लॉक तेजवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बकला गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय के सेकेंडरी में पानी भर जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। स्कूल के प्रांगण में पूरा पानी भरा हुआ है। स्कूल के दरवाजे पर इतनी गंदगी है जो ऐसी गंदगी किसी भी स्कूल के सामने नहीं होती है। पानी की समस्या के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहराइच से नीरज गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट। एक्चुअली मैं ग्राम सभा भकला गोपालपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम है शंकर पांडे। हमारे घर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है स्कूल की, यहाँ पे जल भराव है। ये गेट, मेन गेट पे 5 फीट गहरा गड्ढा है। बालू निकालने के लिए इसको खोदा गया है। यहाँ से ग्राम प्रधान अध्यक्ष जो है अध्यक्ष और स्कूल के प्रबंधन समिति के द्वारा ये गड्ढे इस गड्ढे से बालू निकाला गया है इसकी मरम्मत के लिए और उसी गड्ढे में पानी जल भराव है। कायाकल्प के लिए यहाँ से ही बालू निकाला गया है। कायाकल्प के लिए यहाँ से मेन गेट से बालू निकाला गया है। इसी वजह से यहाँ गड्ढा बहुत भयंकर, बहुत बड़ा, बहुत लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा है यहाँ पे मेन गेट पे और यहाँ जल भराव हो गया है। बच्चे जो होते हैं छोटे, अच्छा 1 के और 2 के, उनकी हाइट ज्यादा ज्यादा 1 से 3 फीट होती है, वो इसमें आराम से डूब सकते हैं। हमारे घर का एक बच्चा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसी में डूब रहा था जिसे हम लोगों ने किसी तरह बचाया है कूद के इसमें, वरना वो डूब जाता और उसकी जान चली जाती। और यहाँ की जो अध्यापक हैं वो इसको नहीं, या तो ना तो कोई शिकायत कर रहे हैं, ना तो प्रधान इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ स्कूल भी नहीं लगता, अध्यापक भी आते हैं तो कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यहाँ पे कुछ पटाया जाए, कुछ काम कराया जाए। और काफी दिनों से यहाँ जल भराव है, काफी दिनों से स्कूल यहाँ पे नहीं लग रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। मिड डे मील 300 लोग ऐड हैं रजिस्टर में, उनका एडमिशन है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 10 से 15 की संख्या में बच्चे आ पा रहे हैं इस जल भराव के कारण। डर के मारे गार्जियन यहाँ नहीं भेज पा रहे हैं, डर के मारे गार्जियन यहाँ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और यहाँ पे ना तो मिड डे मील कायदे से बन पा रहा है, 15 लड़के आते हैं और 300 लड़कों का मिड डे मील दिखाया जाता है। क्या है पूरा मामला? सर परसों हम आए थे इसी जगह, शमशाद के लड़के को हमने बचाया खुद पील करके। वो बच्चा पढ़ने आया था? हाँ, बच्चा पढ़ने 3 से 6 साल के अंदर है। अच्छा, तो इसी में डूब रहा था, इसी में गिर गया था। कितना गड्ढा है? देखिए ना, कमर तक पानी है पूरे। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय कन्या पाठशाला बकला गोपालपुर सेकंड। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? हमने अपने बाल विकास प्रधानों को दी है और हम लोगों को ग्राम प्रधान से कुछ कहा, इतना गड्ढा क्यों खुदवा दिया? आप क्या है यहाँ? मैं आंगनबाड़ी हूँ यहाँ की। एक मिनट रुको, ये बताइए गड्ढा किसने कराया? पानी से गड्ढा हो गया है, पानी से नहीं, बालू कहाँ निकला? देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट।